कम रिहर्सल कम 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 हो जा उल्टे उल्टे और हाथ धीरे धीरे भाई 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 सबके मत पहन वो भाई आई नहीं रही यार अंदर पैर अंदर ले जा तू उठा रहा है पैर अंदर ले जा अंदर ले और शक्ल शक्ल 5 6 7 8 चलो नीचे अभी क्या हो रहा है 5 6 7 8 इसको देखो कट कट डायरेक्ट आ जाओ नीचे बस और करते करते जा बोलते बस कट चलो रेडी Hi, I'm Ash Ansari and my first album, my album name is Boom Boom and ये मेरी पहले album है और मुझे ये है कि मेरे album अच्छे हैं कि मेरे album hit हो जाएगा और मुझे काफ़ी इंडस्ट्री में मुझे मैंने तेलुगु में काफ़ी फिल्म किया है मैंने 4-5 फिल्म मेरी रिलीज होने वाला है तेलुगु में एंड दूसरा मैंने काफ़ी मॉडलिंग भी किया है दिल्ली में राम फैशन शो 2-3 ऐड भी मैंने किया है तो ये हिंदी में मेरी पहले एल्बम है एंड बिकॉज अगर मुझसे कोई गलती हो कुछ हो तो प्लीज़ मुझे आप सब माफ़ करना आज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर अभी ऑन लोकेशन चल रहा है किस तरह का एल्बम है ये एल्बम बहुत अच्छे हैं ये एल्बम डिस्को टाइप है रिमेज है मेरा एल्बम लेकिन डिस्को टाइप है तो अच्छा है एल्बम एंड सबको अच्छा ही लगेगा मेरा एल्बम डांस करने में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये हिट होगा ऐसी क्या खासियत है जो ये हिट होगा क्योंकि मेरे एल्बम बहुत अच्छे हैं मेरे एल्बम के अंदर इस तरीके से ये है जो शायद अब तक कोई एल्बम इस तरीके से आई नहीं चैनल में जो मेरी एल्बम आ रहा है और मेरी एल्बम के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ने किसी के एल्बम में कोई इस तरीके से नहीं आया जो मेरे एल्बम जैसे मेरे एल्बम के जैसे कॉस्टिंग भी बहुत अच्छे हैं मेरे एल्बम की जो गाना है वो भी काफ़ी अच्छे हैं एंड सब चीज़ अच्छी है मेरी डायरेक्टर भी बहुत अच्छी है मेरी कोरियोग्राफर वो भी बहुत अच्छे हैं मेरी मेकअप मैन वो भी बहुत अच्छे हैं मेरी लोकेशन जो वो काफ़ी अच्छे हैं आज तक मैंने किसी एल्बम में देखा नहीं इस तरीके से लोकेशन जो मेरी एल्बम में लोकेशन है तो सबको अच्छा ही लगेगा मेरी एल्बम और मेरी एल्बम हिट हो जाएगा ये मेरे कन्फ्रेंस है कि मेरा एल्बम हिट होगा और मुझे काफ़ी ऑफर मिलेगा फिल्म के लिए इधर सबसे पहले इस म्यूज़िक एल्बम के बारे में आज जो ऑन लोकेशन चल रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे जो म्यूज़िक अभी एल्बम बूम बूम कर रहे हैं हम ये एक ओल्ड सॉन्ग है जिसका रीमिक्स किया है गुरु शर्मा ने जो उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक तैयार किया है
तो जैसे ही विकास दत्त ने मुझे, जो डायरेक्टर हैं इस म्यूज़िक वीडियो के, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ कि ऐसे ऐसे करके मैं म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ, तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना तो इफ़ यू आर फ्री दैट डे तो यू कैन हियर द म्यूज़िक एंड यू नो। तो मैं उनसे मिला और बाद में मैंने म्यूज़िक सुना, म्यूज़िक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ नहीं मैंने पूछा कौन सा रिकॉर्ड लेबल है कौन है, तो मुझे म्यूज़िक इतना पसंद आया कि हाँ आई सेड यस। कौन सा गाना है जिस पर ये जिसका ये रिमिक्स हो रहा है? बूम बूम, ये एक ओल्ड पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है, तो वही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैंने जब भी बात की है तो सब काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये एल्बम हिट होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि यार जो मैंने पहली बार म्यूजिक सुना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ समथिंग न्यू, और मेरा अपने आप यू नो मैं जैसे ही मैंने सुना और डांस करने लगा कि आपकी बॉडी में रिदम तभी आती है जब आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप बॉडी को जैसे आप घर पे बैठे हैं या कहीं भी अकेले बैठे हैं तो आप डांस नहीं कर सकते अगर अच्छा म्यूज़िक नहीं हो, तो इसीलिए मैंने जैसे ही मैंने सुना और यस। सी एज अ ले मैन मैं बोलूँगा इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग बिकॉज नाजिया जी ने जब ओरिजिनली गाया था बिट्टू जी के साथ इट वॉज मैजिक देन एंड टुडे आकृति हैज़ संग इट फॉर मी। दो नाजिया जी की वॉइस नहीं है बट द सॉन्ग इन इट्स सेल्फ विथ अ स्पिरिट एब्सोल्युटली ऑब्वियसली विल बी देयर विथ अस इज टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुल। अभी आगे पब्लिक के ऑडियंस के ऊपर है कि हाउ दे लाइक इट, एंड जैसे मेरा बेबी डॉल पहले एक्सेप्ट किया है वैसे इसको भी एक्सेप्ट करके दे गिव इट प्रॉपर राइट प्लेस इन देयर हार्ट। आई होप उससे ज्यादा बड़ा हिट हो बिकॉज अगेन आई सेड नाजिया जी का गाना है एंड बहुत हार्ड वर्क गया है इसमें हमारा बहुत, मतलब बिलीव मी लोगों को लगता है रीमिक्स करना बहुत आसान है, गाना उठाया किसी से गवा लिया और लूप एक पेस्ट कर दिया उसके ऊपर, ऐसा नहीं होता। इट्स इक्विवेलेंट टू मेकिंग अ न्यू सॉन्ग, उल्टा और डिफिकल्ट क्यों हो जाता है क्योंकि एक ऑलरेडी पॉपुलर नंबर को आप और एक स्टेज आगे लेके जा रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं, सो इट गेट्स मोर डिफिकल्ट, बट आई होप दिस वर्क्स बेटर देन बेबी डॉल दिस टाइम। वेल ऑब्वियसली द लुक ऑफ द वीडियो एज यू कैन सी द सेट एंड एवरीथिंग इज वेरी गॉर्जियस प्लस द सॉन्ग इन इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली मैजिक, सो वेदर वी हैव अ ब्यूटिफुल वीडियो और अ ग्रेट आर्टिस्ट और अ ब्यूटिफुल डांसर और अ ग्रेट मॉडल विद अ ग्रेट बॉडी और माई म्यूजिक इज देयर और नॉट देयर इन इटसेल्फ द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली मैजिक, सो I don't have to say anything after once it's released people will understand what I mean to say. Bye.
करनी है।